नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज जो टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जो रिलायंस के तरफ से GET मतलब ग्रेजुएट इंजीनियरिंग जो ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें ये बेनिफिट है कि जो भी BTEC का स्टूडेंट है, जो अदर अदर इलेक्ट्रॉनिक्स या अदर अदर फील्ड में केमिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तो जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट और उनकी 2024 में फाइनल होने वाली है, उनके लिए बेहद ही एक अच्छे अपॉर्चुनिटी रिलायंस जियो की तरफ से निकाला गया है कि इसमें आप यदि अप्लाई मतलब एक रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग दी जाती है, लगभग 5 महीने या 6 महीने या 1 साल की एक ट्रेनिंग दी जाएगी रिलायंस जियो की तरफ से। उसमें आप यदि ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको लगभग 7 से 10 लाख रुपए तक का फिक्स्ड जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है सैलरी। तो वो आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको अप्लाई करने से पहले, और ये ट्रेनिंग होगी कहाँ पे, कौन कौन से फील्ड में जो स्ट्रीम्स BTEC इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट होते हैं, किस स्ट्रीम्स वालों को या किस फील्ड वालों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रिलायंस जियो की तरफ से मिलने वाली है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, इसमें 1-to-1 आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इसमें डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको जो डिस्कस करूँगा, ये जिसे बोलते हैं GET 2024, जिसे बोलते हैं 2024, ये GET के नाम से ये अप्लीकेशन निकली है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑल इंडिया हायरिंग है। ऐसा नहीं कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई स्पेशल स्टेट को मेंशन किया गया है इसमें। ओवरव्यू की बात करें फ्रेंड, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो RIL जो बोला जाता है रिलायंस जियो की तरफ से, हायर्ड ग्रेजुएट फ्रॉम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज टू एक्टिविटी कंट्रीब्यूट इट्स ग्रोइंग बिजनेस एंड इकोसिस्टम। तो ये एक तरह से ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग जो पोस्ट है GET बोलते हैं, वो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग को ले रहे हैं कि ताकि ये एक ग्रोइंग बिजनेस कर सकें और इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकें। तो ये प्रोग्राम किसके लिए है, इंट्री लेवल प्रोग्राम फॉर जो बोलते हैं नेचुरलिंग इंजीनियरिंग जो है यंग टैलेंटेड है उनके लिए है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है, सब तो टैलेंटेड ही होते हैं, बट आपको ये क्या है, एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, इसमें आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी एक फाइनल टेस्ट होता है, तभी आप इसमें जॉब पा पाएंगे मतलब मिल पाएगा, जो 7 से 10 लाख का है। मैं आपको पूरी डिटेल अभी आगे भी बताऊंगा कि ये कैसे आपको मिलेगा जॉब भी। ऐसे पार्ट ऑफ GET 2024 यदि 2024 में आपको यदि है, तो इसमें क्या है कि सेलेक्टेड गेट विल बी अंडरगो 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एक साल का है वो पूरे तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है आपका यहाँ पे। तो इसमें इसलिए जो दिया जाता है आपको ट्रेनिंग कि जो इनकी टारगेटेड जॉब रोल है, जो इनके यहाँ जॉब है रिलायंस जियो में या रिलायंस में जो जॉब रोल है, उन उसके अकॉर्डिंगली ये आपको हर चीज़ को सिखाएंगे एक साल तक पूरी, वो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस यहाँ पे देने नहीं पड़ेंगे, इसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपका रोल्स है वो कन्फर्म डिपेंडेंट करता है आपका कंप्लीट होने के बाद ही, यहाँ पे लिखा हुआ अभी है फ्रेंड, कन्फर्मेशन इनटू दिस रोल्स विल बी डिपेंड ऑन द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस इन द फाइनल असेसमेंट। तो यहाँ है कि हर जो महीने है आपका टेस्ट भी होगा कि आपको जो पढ़ाया गया वो सिखाया गया वो आपकी उसके बेसिस पे टेस्ट भी होगा, एग्ज़ाम भी होगा हर महीने। तो 12 एग्ज़ाम होने वाले हैं, 12 टेस्ट जो होता है वो होने वाले हैं हर महीने में, उसके अकॉर्डिंगली आपका फाइनल स्कोर असेसमेंट जो होता है वो आपका चेक भी होगा कि आपका स्कोर टोटल कितना है। उसके अलावा आपका जो रोल्स है, जो भी कन्फर्मेशन है वो सक्सेसफुली कम्प्लीटेड हुआ है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली ही ये रोल्स जो कंपनी में है वो आपको अलॉट करेंगे। ऐसा नहीं कि शुरुआत स्टार्टिंग से आप मैनेजर वहां जाकर के बन जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको पोस्ट देंगे। अब जो कौन अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। फ्रेशर विद द फुल टाइम BTEC डिग्री फ्रॉम एनी AICT अप्रूवल इंस्टीट्यूट। तो कोई भी जो AICT से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर BTEC मतलब जिनको फाइनल ईयर ग्रेजुएटिंग इन 2024 मतलब 2024 में जो ग्रेजुएट होंगे उनके लिए है, बट जो स्ट्रीम्स है फील्ड ऑफ केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये जो हैं लगभग 1, 2, 3, 4 मतलब 4 जो फील्ड हैं केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, इन 4 फील्डों वालों के लिए ही अपॉर्चुनिटी है जो BTEC कर रहे हैं। याद रहे कि जो BTEC कर रहे हैं उनका फाइनल ईयर 2024 में होना चाहिए और ये 4 स्ट्रीम्स केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए।
आगे बात करते हैं फ्रेंड कि एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स, मतलब आपको लगभग जो आप बीटेक में अब तक जो है यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन किया हुआ कि 7 सेमेस्टर तक का आपका जो ग्रेड है वो 7.60 CGPA होना चाहिए। अदरवाइज यदि आपका परसेंटेज का जो गवर्नमेंट है या जो भी इंस्टीट्यूट है वो परसेंटेज मेंशन करती है बीटेक में, तो आप 60% कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा मतलब इसमें जानता हूँ कि ये मेन CGPA ही यहाँ मेंशन होता है, तो 6.0 होना जरूरी है आपका। तो द फाइनल अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुली, जो आपका फाइनल अपॉइंटमेंट भी होगा वो इसीलिए रखा गया कि एक साल, ताकि आपका जो फाइनल स्कोर जो होगा बीटेक करने के बाद जो कंप्लीट होगा तो वो भी आपका 6.01 मेंटेन होना चाहिए, मतलब 60% होना चाहिए। इसके अलावा बात करें फ्रेंड कि जो 10th में मार्कशीट जब आपकी होती है वो पासिंग जो होता है उसमें भी आपका 60% होना चाहिए, 12th में भी 60% होना चाहिए, और डिप्लोमा वालों को के लिए भी 60% रखा गया है। क्योंकि जैसे कि यदि कुछ लोग होते हैं कि जैसे डिप्लोमा कर लिए 3 साल का, उसके बाद डायरेक्ट वो जो डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं बीटेक में, वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एंट्री लेते हैं, तो उनके लिए भी रखा गया कि यदि डिप्लोमा करके बीटेक कर रहे हैं तो डिप्लोमा वाले के लिए भी उनको 60% यहाँ रखना होगा, जरूरी है, मेंशन है, एक पैरामीटर रखा गया है रिलायंस जियो की तरफ से। अब उसके बाद बात करें फ्रेंड, गुड ओरल एंड रिटेल कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब एक तरह से मतलब रिटेन हो जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंग्लिश हो या बेसिक लैंग्वेज जो नीड होती है कंपनी में कॉरपोरेट वर्ल्ड में वो आपको होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरिटी एंड डिजायर बिल्ड करियर इन रिलायंस, ऐसा नहीं है कि उनको एक एग्रेसिव दिखना होना चाहिए, उनके मतलब एक तरह से बॉडी जो होते हैं एक तरह से एग्रेसिव होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट होना चाहिए रिलायंस जियो में करियर को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड कि इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैंने आपको बताया था, वो कोई भी नो एक्टिव बैकलॉगिंग होना चाहिए फ्रेंड, तो आपके बीटेक में कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए, तो कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए फ्रेंड जब तक आपका फाइनल आपका CGPA क्लियर हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप बीटेक कंप्लीट कर लिए हो, कंप्लीट तो होता नहीं है, इसे माना भी नहीं जाता है, यदि आपका कोई बैकलॉगिंग है तो मतलब आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो बीटेक उसी टाइम पे फाइनल आपका मिलता है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, जब तक आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपका क्लियर हो चुका है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसके भी बैकलॉगिंग है तो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। यदि आप कैसे भी कर लेते हैं कल होकर के टेस्ट जो चेकिंग होगा उसमें भी आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे वहीं से डिक्लाइन कर दिया जाएगा। दूसरी बात करें फ्रेंड, यहाँ पे एक क्लियरेंस और भी होंगी, जो मेडिकल टेस्ट होंगी प्री इम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट वो रिलायंस की तरफ से ही होंगी, कोई भी अपना खुद कराने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। दूसरी और बात करें फ्रेंड कि जो हु इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन जो होगा रिलायंस RIL की तरफ से ही होने वाला है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल सेंड टू ए टेस्ट मेजर, जो आपको टेस्ट एक होगा इंजीनियरिंग टेस्ट होता है। फर्दर शॉर्टलिस्टेड अपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू, यदि आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा आगे। रिलायंस टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द फाइनल सिलेक्ट, उसके बाद आपका रिलायंस की तरफ से मेन क्लियर डिक्लेयर हो जाता है रिजल्ट, वो रिजल्ट आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। लास्ट जो सबसे लास्ट में है इंटरव्यू के बाद वो है प्री जो मेडिकल है वो मेडिकल एक एग्जाम होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड जो कैटेगरी है वो आपको पेमेंट कितने मिलने वाली है, तो ऑन ज्वाइनिंग जब आप ज्वाइन करेंगे तो फिक्स्ड जो सैलरी है वो 9 लाख पर एनम मिलने वाला है, तो 9 लाख हर साल में आपको मिलने वाला है फिक्स्ड पे, जिसे फिक्स्ड पे है 9.5 लाख पर एनम है। एनुअल कैश बोनस जो मिलेगा वो आपको 1.05 लाख पर एनम मिलने वाला है। तो ऑन द कंपटीशन ऑफ द 12th मंथ, यदि आप 12th मंथ कंप्लीट कर लेते हैं तो ओनली गेट हु सक्सेसफुली कंप्लीट देयर असेसमेंट एंड विल एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन, जो कंप्लीट कर लेंगे GET और उसके लिए उनको मिलेगा पोस्ट कंफर्मेशन, GET विल बी बिकम एलिजिबल फॉर एनुअल इंक्रीमेंट एंड बोनस, तो आपको हर मंथ एनुअल में बोनस भी मिलने वाला है यहाँ पे और इंक्रीमेंट भी होने वाला है। तो अब आप बात करते हैं जो बोनस होगा, वन टाइम डिफर्ड बोनस होगा जो 5 लाख का होगा लगभग 2 ईयर्स यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तब। उसके बाद बात करें फ्रेंड मेडिकल जो इंश्योरेंस होगा, यहाँ पे जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी आपको 25 लाख रुपए तक का मिलने वाला है, जिसे बोलते हैं GPAI, मतलब ग्रुप पर्सनल इंसिडेंट इंश्योरेंस, सम ऑफ एश्योर्ड 25 लाख पर एनम मिलने वाला है। लाइफ इंश्योरेंस जो बोलते हैं फ्रेंड यहाँ पे, ये भी मिलने वाला है जो कि लगभग मतलब 25 लाख रुपये तक का ही है। फ्लोटर मेडिकल पॉलिसी जो है बेस कवरेज है 5 लाख का, यदि टॉपअप आप लेते हैं तो 5 लाख का एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। कवरेज ऑफ द फैमिली मेंबर, जो 7 फैमिली मेंबर को आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपकी आप खुद होंगे, स्पाउस होंगे मतलब वाइफ या हस्बैंड होंगे,
थ्री डिपेंडेंट चिल्ड्रेन होंगे अप टू 25 ईयर्स और डिपेंडेंट पेरेंट्स होंगे। डिपेंडेंट पेरेंट्स मतलब फादर और मदर भी यहाँ पे ऐड होंगे। तो अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के, जहाँ पे आपको 7.5 लाख रुपये मिलने वाला है ऑन ज्वाइनिंग ट्रेनिंग में। फिक्स्ड जो सैलरी होगी 7.5 लाख रुपये तक की मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद यदि फिक्स्ड पे की बात करें तो यहाँ पे 8 लाख रुपये तक का पर एनम है। एनुअल कैश जो बोनस मिलने वाली है 0.88 मतलब लगभग 88,000 रुपये पर एनम मिलने वाली है। तो जो मेन क्राइटेरिया कंप्लीशन जब कंप्लीट करते हैं 12 मंथ तभी है। ओनली गेट हु विल सक्सेसफुल कंप्लीट देयर ट्रेनिंग और असेसमेंट विल बी एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन, उनको ही मिलने वाला। पोस्ट कंफर्मेशन जीटी विल बिकम एलिजिबल फॉर एनुअल इंक्रीमेंट और बोनस। जो कैटेगरी वन में वही फ्रेंड, बट यहाँ पे है कि अमाउंट का डिफरेंस है। जो वन टाइम है यहाँ पे 3 लाख रुपये का ही है, जो 2 साल तक के मिलने वाला वहाँ है जो 5 लाख रुपये तक का था। बात करें यहाँ पे जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ है कि 5 लाख का जो बेस कवरेज है वो यहाँ पे 5 लाख का है, वहाँ 7 लाख का था। अब बात करें फ्रेंड कि जो डिक्लेयर जो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन जो दी जाएगी जो भी रिलायंस जियो की तरफ से होगी वो सिलेक्टेड लास्ट में ही होगी, जो पीएम जो होती है मेडिकल टेस्ट होने के बाद है। अब अप्लाई कैसे करेंगे फ्रेंड, मैं वो पूरी डिटेल आपको साइट्स पे भी बता देता हूँ। मेन तो जो मैंने आपको बताया ये जो डिस्क्रिप्शन है जो डिटेल है वो आपको मैंने वीडियो में अभी डिस्क्राइब कर दिया है। ये पेपर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा ताकि आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। अब बात करते हैं फ्रेंड कि जो रिलायंस का जो ग्रेजुएट बोलते हैं रिलायंस ग्रेजुएट इंजीनियरिंग है वो आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये पोर्टल है जहाँ पर आप ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंशन कर दूंगा। तो आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन है और रजिस्टर। यदि आप रजिस्टर पहले ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज रजिस्टर करना पड़ेगा। एक ओवरव्यू देख लेते हैं इस साइट पे है क्या। यहाँ पे इन्होंने भी सेम ही चीज़ मेंशन किया है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग जो बोलते हैं ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं जीटी प्रोग्राम। इन्होंने मेंशन किया कि फर्स्ट क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड जो स्टूडेंट होंगे गो थ्रू द ऑनलाइन असेसमेंट होगा आपका। यहाँ पे जब रजिस्टर कर देते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा जो मैंने आपको बताया। लेकिन डेट है जो 11 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, आप 11 से 19 जनवरी तक आप कर सकते हैं मतलब रजिस्टर। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको ऑनलाइन असेसमेंट जो दिया जाएगा देने के लिए वो 5 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक ही दे सकते हैं इसमें। उसके बाद आप यहाँ पर इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू भी जो देंगे यहाँ पे फर्दर इंटरव्यू जो होगा आपका यहाँ पे लगभग 23 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक की होगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन है जो एंड ऑफ द मार्च मतलब एंड ऑफ द मार्च लगभग होली तक आपको यहाँ पे होली से बिफोर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है कि नहीं। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है जहाँ जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है मेरे डेस्कटॉप पे, तो इसमें आपको आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको यहाँ सिलेक्शन होने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्टर कैसे करना है। इसमें बात करें फ्रेंड जो रजिस्टर का जो ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे रजिस्टर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। वो मैंने अभी आपको वीडियो में डिस्कशन भी किया था। अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर 2020 से 2024 बेसिस का जो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल जो मैंने बताया 60% होनी चाहिए, 10th या 12th में आपकी कितनी परसेंटेज होना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है। क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे ज़रूरी है, तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पासवर्ड अपने तरफ से एक जनरेट करना पड़ेगा जो कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। वन मोर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप रीटाइप में कन्फर्म कर सकते हैं, फिर से वही पासवर्ड आप यहाँ पर मैंसन कर सकते हैं। अब आपको मैं बता दूँ फ्रेंड कि उसके बाद जब आप जाते हैं तो पर्सनल डिटेल जहाँ पर मांगा जाता है, आपका फर्स्ट नेम मांगा जाता है, मिडिल नेम जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि लास्ट नेम कंपलसरी है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंपलसरी है यहाँ पे आपको मेंशन करना। उसके बाद मैं जब पर्सनल डिटेल आप फिलअप करते हैं तो उसके बाद आपका यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड जो मांगा जाता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 10th में तो आपको मांगा ही जाएगा कि 10th में मार्कशीट मेन है, 10th में आपके परसेंटेज कितने आया है। उसके बाद 12th में जो रिलेवेंट एजुकेशन है वो बैकग्राउंड 12th है या डिप्लोमा या बोथ था आपका,
वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ट्वेल्थ का मार्कशीट है ट्वेल्थ का। यदि आप यहाँ बोथ या डिप्लोमा क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद बैचलर डिग्री जो कॉलेज है वो यहाँ पे आप कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर डिग्री का जो है वो भी सिलेक्ट, बी टेक तो ऑलरेडी बी ई है या बी टेक, ये सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड की जो आगे बात करें जो डिसिप्लिन है वो किस डिसिप्लिन में आपने किया है, वो जो मैंने आपको बताया तीन चार हैं उसी में आपका यदि बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड की जो आपको यहाँ डिटेल मांगी जाएगी, डिसिप्लिन या बैचलर डिग्री जो सी जी पी ए आपका है, जो परसेंटेज जो मैंने बताया था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। डिग्री जब आपका टाइप क्या था, कॉरेस्पोंडेंस है या फुल टाइम था या पार्ट टाइम था, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको डू हैव ए एक्टिव बैकलॉगिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैकलॉगिंग नहीं चलेगा, तो बैकलॉगिंग आपको यहाँ पे यस या नो पे नहीं, नो ही पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये मेंशन कर देते हैं, बैकलॉगिंग का सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बैचलर डिग्री जो आपका ये स्टार्ट के लिए पूछा जाता है इसमें कि बैचलर डिग्री कौन सी स्टार्ट हुआ था, कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो जैसे ही आप ये कंप्लीटेशन, ऐसे यदि बैचलर की जो स्टार्ट होती है वो तो ऑब्वियसली आपको 2020 ही सेलेक्ट करनी होती है, यदि 2024 में कंप्लीट हो रही। तो अब ये कंप्लीट डेट है वो आपको पहले मंथ सेलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ तो ईयर फिक्स्ड है 2024 में ही कंप्लीट है, क्योंकि इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है 2024 में कंप्लीट होना चाहिए। तो सिर्फ आपको मंथ सेलेक्ट करना है कि कौन से मंथ में, ऐसा नहीं जरूरी है कि आपको एक्चुअल देना है, आपको अप्रोक्सीमेटली कोई भी मंथ सेलेक्ट कर लेना कि लगता है कि आपको इस मंथ में कंप्लीट हो जाती है, या प्रीवियस ईयर्स जो भी आप कॉलेज में अपने बात कर सकते हैं कि कौन से मंथ में लगभग सर्टिफिकेट मिल जाती है। बात करें फ्रेंड आगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव बीन डिटेंड, कभी किया गया है कि नहीं, निकाला गया है जिसे बोलते हैं, यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। अपेयर्ड फॉर आर आई एल फुल टाइम आर आई एल इंटर्नशिप प्रोग्राम इन द लास्ट वर्ड, तो आप कुछ पिछले साल कभी आपने अप्लाई किया था आर आई एल गेट इंटर्नशिप के लिए, तो आप यहाँ पे ट्राई यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने किया होगा तो यस, अदरवाइज नो पे। आई डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो इनके तरफ से होती हैं, जो भी मतलब टर्म एंड कंडीशन तो वही है कि जो आपके क्राइटेरिया है, आप जो भी इन्होंने रखा है, जैसे मार्कशीट है, आपका परसेंटेज होना चाहिए, कॉलेज का होना चाहिए, स्ट्रीम्स होना चाहिए, सारी टर्म एंड कंडीशन यदि एग्री है तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है, इसमें आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल मिलता है। तो ये जैसे ही आपको मिल जाता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो आपको यहाँ पे जो दूसरा स्टेप्स है, मतलब सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में यही है कि आपका शॉर्टलिस्टेड यदि हो जाते हैं तो आपको ऑनलाइन जो लिंक होता है असेसमेंट का, टेस्ट का, वो आपके पास यहाँ पे लिंक आ जाएगा, मतलब इनके बिफोर 5th ऑफ फरवरी, मतलब 5 फरवरी से पहले ही आ जाएगा, और 5 से 8 फरवरी का बीच में कोई भी टाइम पे आप ये असेसमेंट दे सकते हैं। उसके बाद यदि असेसमेंट आपका क्लियर हो जाता है तो 23 फरवरी लेकर के 1 मार्च तक आपको यहाँ इंटरव्यू होगा, जो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा इसमें। उसके बाद इंटरव्यू सेलेक्ट होते हैं, ये फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो लास्ट जो वही है मेडिकल टेस्ट, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये बिल्कुल कंपाइल्ड वीडियो था, जो कि आप ये रिलायंस जियो की तरफ से बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकला हुआ है कि आप यहाँ 1 साल का ट्रेनिंग लें बी टेक करने के बाद और डायरेक्ट आप रिलायंस जियो में ज्वाइन कर लें। तो ये इजीली प्रोसेस है, कहीं और अदर अप्लाई करने से या कहीं अपडेट डिटेल आप अपनी रिज्यूम भेजने से पहले यहाँ पे भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया है बी टेक वाले स्टूडेंट के लिए कि फाइनल ईयर होना चाहिए और 12th हो या 10th हो या आपका डिप्लोमा हो या बी टेक हो, उसमें 60% मिनिमम होना चाहिए। सी जी पी ए वालों के लिए घबराने की बात नहीं है, इसमें सी जी पी ए 6.0 ही रखा गया है मिनिमम, जो क्राइटेरिया होता है बी टेक में, तो आपको यहाँ 6.0 है तो वो आप 6.0 ही यहाँ मेंशन करें। बाकी जो सारी डिटेल है, मैं जो लिंक है जो अप्लाई कैसे करेंगे या जो मेन नोटिफिकेशन थी, वो दोनों मैं लिंक शेयर कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप जा करके लिंक पे क्लिक करके सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, विस्तार में अप्लाई कर भी सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो आप एटलीस्ट मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें फ्रेंड फैमिली के साथ भी, या जिनको ये ज़रूरत है तो आप ज़रूर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं आए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स से भी इसको एटलीस्ट शेयर करें, सब्सक्राइब कराने के लिए कोशिश करें, और मेरे चैनल को एटलीस्ट अपडेट कर, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट की सारी योजनाएं हो या आधार कार्ड बैंक से
डिटेल हो या कोई जॉब से डिटेल हो, मैं हर डिटेल को अपडेटेड करते रहता हूँ फॉर्म अप्लाई करने से पहले, फॉर्म अप्लाई करने से लेकर के आपको नोटिफिकेशन तक की सारी डिटेल। तो आप मेरे और भी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एटलीस्ट अभी जो आपने डिटेल, यदि मैंने जितने भी वीडियो में बताए हैं, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, कमेंट करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा उसमें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें फ्रेंड, और सब्सक्राइब तो जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।